हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बात करेंगे साइंस टू के सेकंड चैप्टर की फाइनली आज हम वो चैप्टर चालू करेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट वन यानी कि चैप्टर है ऑलरेडी चैप्टर टू एंड चैप्टर थ्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, uh, uh, है. है, है, है बहुत ही डिटेल्ड uh, चैप्टर है लेकिन समझना है डिटेल चैप्टर है लेकिन वो हमें यहाँ पर वो लोग ने डिटेल में बात उतनी की नहीं है ओके? Okay? जितना सिंपली हो सके मैं उसको, लेकिन आपको एक समझना है जैसे एक आइसबर्ग होता है जैसे कि एक आइसबर्ग होता है उसका ऊपर का हिस्सा हमें कितना दिखता है और कितना हिस्सा नीचे पानी के नीचे होता है सो so ये वैसा एक टॉपिक है जो हमें एक लेयर पढ़ रहे हैं हम हम सिर्फ एक एक झलक देख रहे हैं कि कैसे लाइफ uh, प्रोसेसेस काम करती है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओके सो ऊपर ऊपर से ही हमें स्कैन आउट करना है चैप्टर को बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स है इसके अंदर बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप देखोगे इसके अंदर जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग भी है एंड यू नो अजीब हमें नए वर्ड्स जब मिलते हैं देखने मिलते हैं तो पहले ही हमारा ब्रेन उसे रिजेक्ट करता है ये एक नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन की सो आई वॉन्ट यू गाइज मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आप चाहता हूं कि आप पेशेंस रखें सबसे पहले आप इसको यू uh, नो uh, you know, तीन चार बार पहले वर्ड्स वर्ड्स से फेमिलियर हो जाए अच्छी तरह से एंड फिर उसको आप पढ़े तो आपको थोड़ा वर्ड्स के साथ यू नो पेशेंस रखना है उसको uh, अपने सिस्टम में बार बार यूज करके अपने सिस्टम में उसको लाइक एब्जॉर्ब करना है अच्छी तरह से फिर ओवरऑल पिक्चर द बिग पिक्चर जब आप देखोगे तो वो जो भी चीज आपको समझाई जा रही है लाइफ प्रोसेस जो भी प्रोसेस आपको समझाया जा रहा है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तो ये चीज मैं चाहता हूं पहले आप लोग ये दिमाग में डाले पहले से ही कि यहां पर बहुत सारे टेक्निकल वर्ड आने वाले हैं जिसका आपको फिलहाल नाम जानना जरूरी है सिर्फ कि वो क्या काम करेंगे कैसे हेल्प कर रहे हैं उसमें ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाएंगे ओके सो so वो चीज आपको पहले से समझनी है क्योंकि ये सारा चीज जो है आप आगे अगर साइंस कंटिन्यू करोगे इलेवेंथ ट्वेल्थ में तो ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का टॉपिक है टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सब इलेवेंथ ट्वेल्थ में लाइक like, उसका टॉपिक है ये सारा ओके सो so ये चीज आपको पहले समझनी है पहले आप खुद ही अपने मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि बहुत सारे टेक्निकल वर्ड आने वाले हैं टेक्स बुक शेयर करता हूं मैं सी वैसे चैप्टर काफी इजी है स्टेप बाई स्टेप जा रहा है फ्लो में लेकिन एज आई टोल्ड यू अगेन इट इज जस्ट द लेअर ऑफ वॉट यू विल लर्न इन फ्यूचर ओके सो एज एज यू कैन सी द टेक्सट बुक लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट वन ओके सबसे पहले तो बात करते हैं लेट मी थोड़ा सा इसको मैं ज़ूम कर देता हूं ओके सो लाइफ प्रोसेसेस का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो ये समझते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है देखो नाम से ही सजेस्ट आप मतलब नाम से ही पता लगा सकते हो कि लाइफ प्रोसेस कह रहा है यानी वो प्रोसेसेस जो आपके लाइफ के लिए जरूरी है आपके जिंदा रहने के लिए जरूरी है तो हमारी बॉडी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जिंदा कोई भी चीज होती उसे है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओके सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन से ऐसे प्रोसेस अपने बॉडी में उनके बॉडी में होते हैं जिसके वजह से वो जिंदा रहते हैं मतलब जिंदा रहने के लिए वो प्रोसेस बहुत जरूरी है तो सिंपल सी बात अगर मैं आपको ऐसा कहता हूं तो आपके दिमाग में तुरंत आता है ब्रीदिंग यानी रेस्पिरेशन तो रेस्पिरेशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस फिर आ, आ, अगर इंसान रिप्रोड्यूस नहीं करेगा यानी कि हम अपना यू नो बच्चे पैदा नहीं करेंगे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो इंसान वो ऑर्गेनिज्म जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा हर एक ऑर्गेनिज्म का काम यही होता है कि वो रिप्रोड्यूस करे राइट अपना जनरेशन आगे बढ़ाए सो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो ओके ये हम पार्ट टू में पढ़ने वाले हैं एंड हर एक हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है हर एक ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है तो ग्रोथ ग्रोथ मेचोरिटी डेवलपमेंट ये भी एक लाइफ प्रोसेस होता है कैसे ग्रोथ होता है सेल डिवीजन प्रोसेस क्या है वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर फर्ट फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं सो so ये सारे आप समझ में आपको आइडिया आ ही गया होगा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है इट इज अ प्रोसेस विच इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग हमारे लिए जरूरी है उसके वजह से ही हम जिंदा है उसके लिए ही हम जिंदा है करते हो. तो basic आपको पता होगी कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन तो ये बेसिक मैक्रो न्यूट्रियंट्स जिसको हम बोलते हैं इसके अलावा हम विटामिन मिनरल्स भी uh, you know, हमारी बॉडी को चाहिए होता है सो so, बेसिक क्वेश्चन व्हाट इज अ बैलेंस डाइट मसल क्या करता है तो मसल हमारा जो भी है फंक्शन जो भी मूवमेंट है सब कुछ बिकॉज ऑफ मसल होता है कॉन्ट्रेक्शन फ्लेक्सेशन ये सब कुछ जो होता है मसल ही हमारा बॉडी का वर्क कराता है इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजेस्टिव ज्यूसेस क्या है डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेस्ट डाइजेस्टिव जूसेस क्या है तो एकदम सिंपल हमारे बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए उसको तोड़ने के लिए हम डाइजेस्टिव जूसेस हमारा बॉडी डाइजेस्टिव जूसेस बनाता है वो इतने एसिड्स होते हैं कि वो अगर लाइक बाहर ऐसे गिरे तो लाइक टाइल्स वगैरह में यू you नो know, छेद हो सकता है उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर वो सारे एसिड आते हैं फ्रॉम पैनक्रियाज एंड लिवर एंड वो फूड को तोड़ देते हैं और वो उसको पूरा यू नो लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं एंड वो ही जाके हमारे इंटेस्टाइन्स में आगे जाता है तो ये सारी चीज आप यू uh, नो you know, पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़ चुके हो थोड़ी सी ये सब बातें कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है ओके okay? फिर जो पूरा वो जूसेस जो चला गया मिक्स हो के जो इंटेस्टाइन्स में से पास होके अपना बॉडी इंटेस्टाइन्स में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिय जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर लास्ट में बचता है वेस्ट जो वेस्ट होता है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है इसीलिए एक्सक्रीट एक्सक्रीट यानी कि हमारे बॉडी से निकल जाता है तो एक्सक्रीशन सिस्टम uh, तो आपको फिफ्थ क्वेश्चन रिमूवल ऑफ वेस्ट कौन कौन ये पूरा सिस्टम क्या है एक्सक्रीशन सिस्टम है पूरा वेस्ट जो बच जाता है लास्ट में जो हमारे बॉडी को कुछ काम का नहीं है वो सब निकल जाता है एक्सक्रीट हो जाता है इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड इन फॉर्म ऑफ ओके 6th वाला फिर आपको बोला कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ये सब में क्या रोल है तो ये आज हम थोड़ा सा देखने वाले हैं एनर्जी प्रोडक्शन की हम बात करने वाले हैं सो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि हमारा ब्लड का सिस्टम जो एक तरफ चल रहा है हमारा हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी इसको कहते हैं हमारा हार्ट ब्लड को कंटीन्यूअसली पंप करता है जिसकी वजह से वो पूरे बॉडी में यू नो सर्कुलेट होता है हार्ट लंग्स के साथ मिलके ब्लड uh, के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड uh, होता है पूरे बॉडी में वो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा होता है हमारे बॉडी में क्रिएट होते अब भी हम देखेंगे आज अभी चैप्टर में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड कलेक्ट करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करते जाता है दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते जाता है तो ये ब्लड काम करता है और फिर वापस रिटर्न बैक टू हार्ट आ जाता है ये पूरा सर्क्यूलेटरी सिस्टम है ये तो इसके अंदर जो जब उसने ऑक्सीजन दिया किसको देता है ऑक्सीजन हर एक सेल ऑफ द बॉडी को वो ऑक्सीजन देता है तो हर एक सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और एक हर एक सेल के पास से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है तो ये जो हो रहा है इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यहीं पे हमारा जो है एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ऑक्सीजन कैरी करते हुए हर एक सेल के पास जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करता है रिटर्न में ये चीज जब हो रही एक्सचेंज वो वो ही हम आज पढ़ने वाले हैं जहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ओके okay? सो so, ये सारे अलग-अलग यू -अलग, नो you know, बातें हैं जो हम आज देखेंगे जिसमें मेन हमारा टॉपिक यही है कि हम कैसे फूड फूड कैसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द टॉपिक तो हार्ट मेरा बीट हो रहा है हार्ट बट हो रहा है मैं कंटिन्यू बोल रहा हूँ मेरे हाथ हैंड मूवमेंट हो रहे हैं मेरा आई मूवमेंट हो रहा है आई मसल वर्क कर रहे हैं तो हमारा ऑर्गन सिस्टम जो है ये पूरा कंटिन्यूस काम करते रहता है ओके okay? along with the various systems like digestive respiratory circulatory excretory and control systems different external and internal organs are performing their functions independently but through a complete coordination to तो humne system ke naam to de diye कुछ organ का पूरा पूरा system बना हुआ है वो आपस में मिलके काम करते हैं इसके अलावा there are एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन जो कुछ अपना अपना फंक्शन करते रहते हैं लेकिन एक अलग अलग इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं लेकिन एक कोऑर्डिनेशन के साथ कर रहे हैं उनका दूसरों के साथ एक कोऑर्डिनेशन चल रहा है जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर पैनक्रियास अपने इंटर इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और अपना जब रिक्वायर्ड रहता है डाइजेस्टिव जूस बना के स्टमक को प्रोवाइड कर देते हैं सो ये कॉर्डिनेशन में काम कर रहे हैं सारे के सारे

डाइजेशन uh, के बाद जो पूरा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया सिस्टम ये सब कुछ उनमें भी होता है और उनमें भी एनर्जी क्रिएट होती है तो ये मोर और लेस हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम है आर इन नीड ऑफ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस पर्पज का अब ये कह रहे हैं कि ये सारे पर्पज ये सारे काम के लिए हमें कंटिन्यूस एनर्जी चाहिए होता है एनर्जी बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है ओके okay? सो so, ये फूड डाइजेस्ट करने के लिए ब्रीद इन ब्रीद आउट करने के लिए कोई भी मूवमेंट कोई भी बातचीत कोई भी नॉर्मल प्रोसेस हमारा बॉडी का होने के लिए हार्ट बीट होते रहने के लिए भी हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होता है नाउ एनर्जी कहां से आता है सो so, अब डायरेक्ट उसकी बात करेंगे तो so, बेसिक हम बोलेंगे फूड फूड के मेन हिस्से क्या है कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स लिपिड्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ओके नाउ अब ये लोग मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं सिर्फ प्रोटीन भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है प्रोटीन लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक माना जाता है मसल्स बिल्ड करने में ज्यादा काम आता है सो मेन सोर्स कौन है तो कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड लिपिड्स लिपिड्स आर नथिंग बट फैट्स वैक्सेस ऑयल ये सारी चीज जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है कोलेस्ट्रॉल uh, वगैरह जो ये सब होता है उसे लिपिड्स कहा जाता है बेसिकली जितना भी स्टिकी समझ लो स्टिकी ऑयली चीजें जो हमारे बॉडी में होती है वो सारे लिपिड्स कहे जाते हैं तो फैट्स लिपिड्स आर इंटरचेंजिब्ली यूज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे लिपिड क्या होता है ओके फैट एंड लिपिड्स लिपिड्स आर आर इंटरचेंजेबली बेसिकली फैट्स वैक्स ऑयल ये सारी चीजें वैक्सी जितना भी हमारे बॉडी में होता है बिकॉज ऑफ खाने से आता है उसे लिपिड्स कहा जाता है सो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर द मेन सोर्स ऑफ बॉडी इट इज हार्वेस्टेड बाय द मिटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ईच सेल नाउ एकदम डायरेक्ट बात बोल दिया मैंने बोला आपको सेल के अंदर सब कुछ हो रहा है सेल के अंदर सब कुछ हो रहा है तो सेल के अंदर वो कौन है जो ये मेन काम करता है एनर्जी प्रोडक्शन का एनर्जी प्रोड्यूस करने का मेन काम कौन करता है सो इट इज मिटोकॉन्ड्रिया हमने ये पहले भी आई गेस पढ़ चुके आई गेस नाइन्थ में कि मिटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल पावर हाउस उन्हें क्यों कहा गया था बिकॉज वो ही है रिस्पॉन्सिबल जो हमारे बॉडी में फैट्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन लिपिड्स ये सारी चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं एंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ओके सो मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही हम आगे पढ़ने वाले हैं इट इज नॉट लाइक दैट ओनली फूड स्टफ इज सफिशियंट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन बट ऑक्सीजन इज आल्सो नेसेसरी तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स लिपिड से काम नहीं चलने वाला है उसके साथ हमें रेस्पिरेटरी ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन अब जाएगा मेरे जब मैंने ब्रीदिंग किया मेरा लंग्स फिल होके लंग्स के साथ हार्ट ने जो ब्लड लंग्स में डाला था वो मर्ज होके ऑक्सीजन मेरा ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गया एंड अब वो ब्लड मेरे वीन्स में जाकर मेरे वीन्स में जाके हर एक सेल के पास जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है इतना सब मेरे बॉडी में अभी भी हो रहा है कंटिन्यूस हो रहा है ओके इट मीन्स यहाँ पे कह रहे है कि ऑक्सीजन कितना जरूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए तो ये हमारा एक मेन मुद्दा होने वाला आज का कि ऑक्सीजन के साथ एनर्जी प्रोडक्शन एंड विदाउट ऑक्सीजन के साथ एनर्जी प्रोडक्शन ओके ऑल फूड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड अप टू सेल वाया सर्क्यूलेटरी सिस्टम तो मैंने आपको जस्ट अब भी यह बात बोली कि ऑक्सीजन और फूड स्टफ्स ने जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो मिला है वो सारा सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दिमाग में वर्ड सुनते ही ब्लड आना चाहिए ब्लड के अंदर मिक्स होके हर एक सेल तक पहुंच रहा है कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी और ये सब कंट्रोल करने वाला पूरा बॉडी कंट्रोल करता है अपना ब्रेन फंक्शन करता है उस हिसाब से हम बॉडी डिजाइन है उस तरह से फंक्शन करने के लिए ईच लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट इन इट्स ओन वे इन द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फंक्शन फंक्शनिंग ऑफ ऑल दिस लाइफ ऑल्सो रिक्वायर्स द एनर्जी तो ये बात भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सारे मिलके सारे बॉडी में हर एक हर एक बॉडी पार्ट का कुछ ना कुछ यू नो रोल होता है निभाने को एंड ये सब लोग मिलके एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं एंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इनके फंक्शनिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है ओके ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स प्लांट्स वेर Whereas remaining is stored in various parts like fruits, leaves, stem, roots, etc. तो खुद थोड़ा सा कंज्यूम करते हैं कंज्यूम करते हैं और उसमें वो नया खाना प्रिपेयर करते हैं खाना प्रिपेयर करने के लिए भी उनको खाना यूज करना पड़ता है सो so, खुद थोड़ा यूज हो जाता है और बाकी का खाना वो बचा हुआ जो स्टोर हो किया जाता है फ्रूट्स 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 में so, में तो आर बेसिकली सबसे ज्यादा ही स्टोर होता है इसलिए उसमें इतने एंड मिनरल्स और सब कुछ होता है ओके वी कंज्यूम ऑल दीज वेरियस प्लांट मटीरियल एंड ऑप्टीन डिफरेंट न्यूट्रिय लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन विटामिन मिनरल्स तो मैंने आपको जस्ट बोला कि हम फ्रूट्स यही सब खा के हम कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स अपने बॉडी को प्रोवाइड करते हैं विच फूड मटीरियल डू वी कंज्यूम टू ऑप्टेन दीज न्यूट्रिय तो हम कौन सा फूड खाते हैं तो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स हम वीट वगैरह खाते हैं ब्रेड ब्रेड वीट ये सारी चीज में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं पटेटोज वगैरह में पटैटो इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्वीट पोटैटो तो बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है ओके okay? सो so, कार्बोहाइड्रेट्स uh, का अलग अलग सोर्सेस होते हैं स्वीट जितनी चीजें स्वीट होती है दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का सोर्स होता है याद रखो फिर मिल्क मीट एग फिश फिर वेजिटेबल्स अलग अलग दे आर द सोर्सेस फॉर प्रोटीन्स एंड अलग अलग मिनरल्स एंड विटामिन ओके सो ये आपको क्वेश्चन था ये आपको लाइक पता ही होगा आगे पढ़ेंगे वी ऑप्टेन द कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम मिल्क फ्रूट्स जैगरी केन शुगर केन vegetables potatoes, sweet potatoes sweet meats uh, cereals like wheat maize ragi jawar millet rice etc to ye log ne khud hi sara niche food stuff de diya hai ki carbohydrates kis mein se hame milta hai now we get 4 kilo calories kilo calories k k dekho k dikh raha that is kilo calories It is basically calories ही माना जाता है simple terms में उसको calories ही बोलेंगे तो so, हमें per gram एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम कंज्यूम करेंगे तो उससे फोर कैलोरीज़ फोर एनर्जी एनर्जी का यूनिट है कैलोरीज़ कितनी एनर्जी मिली एनर्जी का यूनिट हर एक चीज का यूनिट होता है जैसे लेंथ लेंथ अगर मेजर करना है तो मैं सेंटीमीटर बोलूंगा मिलीमीटर बोलूंगा किलोमीटर बोलूंगा वैसे एनर्जी का यूनिट क्या है कैलोरीज है सो so, कितना एनर्जी मुझे मिला फ्रॉम माय पर एक ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिली मुझे तो मुझे फोर किलो कैलोरीज दैट इज फोर कैलोरीज मिलती है ये आपको याद रखना है ये आपको क्वेश्चन आ सकता है लेट स्टडी द वे बाय दिस एनर्जी इज ऑप्टेन अब ये एनर्जी कैसे आई वो हम स्टडी करने वाले हैं मेनी प्लेयर्स आर सीन कंज्यूमिंग सम फूड स्टर्ब ड्यूरिंग ब्रेक्स ऑफ द गेम तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल आपको एक बात बोला है कि आ, बहुत बार आप क्रिकेट वगैरह देखते हो तो वो लोग तुरंत ही एक लाइक एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं तो वो जो ये जो है तुरंत फूड स्टफ कंज्यूम करना बिफोर अ गेम या समथिंग इंस्टेंट एनर्जी के लिए ये सारी चीज की जाती है मोस्टली आपको अगर पता होगा तो जिम वर्कआउट्स के पहले लोग बनाना प्रेफर करते हैं क्योंकि बनाना इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ओके okay? सो so, ये सारी चीजें फूड स्टफ्स कार्बोहाइड्रेट्स जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शुगर शुगर वाला जो होता है सिंपल ग्लूकोज जो होता है वो हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है ओके okay? कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होकर शुगर में आते हैं शुगर ब्रेकडाउन होकर ग्लूकोज शुगर भी होते हैं फ्रूट्स में जो मिलते हैं उसे कहा जाता है तो ये सारी चीजें बहुत डिटेल्ड है अभी उसमें हम ध्यान नहीं देंगे आपको सिर्फ सिंपल समझना है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है ब्रेकडाउन यानी जब वो डाइजेस्ट होता है एक तरह से आप बोल सकते हो तो ग्लूकोज फॉर्म होता है इसीलिए जब आपने अगर नोट आपको मतलब पता ही होगा ये बात जब हम हॉस्पिटल हमें बेहोश हो जाते हैं या ऐसा कुछ हमें ग्लूकोन डी ग्लूकोज है क्योंकि जो है है वो डायरेक्ट डाइजेस्ट हो सकता है, हमारे ब्लड में डायरेक्ट डाइजेस्ट मिक्स हो सकता है इसीलिए हमें हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है तो सबसे पहले अः जो इंसुलिन होता है दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज वाटर तो वो ग्लूकोज लगाया जाता है फॉर एनर्जी ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी रहे तो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट इंस्टेंटली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट मतलब मिक्स हो सकता है और एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है बिकॉज ऑफ ओके तो ये आपको थोड़ा याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट से ही ग्लूकोज आता है नाउ uh, सबसे पहले तो यहां पे एक आपको चार्ट दिया है विच इज वेरी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आपको पता ही होगा बट लेट मी जस्ट राइट फ्यू थिंग यहाँ पे लेट लेटमी सो आपको एज यू कैन सी दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो यहाँ पे ये यह आपको जो दिख रहा है पहला वाला इट इज नथिंग बट योर नेजल कैविटी हम इसको बोलते हैं यानी नोज यहां से हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट होता है नेजल कैविटी है ये हमारा ओके okay? फिर ये माउथ है दैट इज ओरल कैविटी भी बोलते हैं उसको माउथ भी सिंपली आप बोल सकते हो ओरल कैविटी कैविटी यानी कि जगह खाली जगह उसको कैविटी कहा जाता है फिर यहां पर ये यह दो चीजें दिख रही है एक फूड पाइप है डेफिनेटली एक थ्रोट वाला फूड पाइप है एंड एक जो है विंड पाइप है जिसको ट्रैकिया भी कहा जाता है विंड पाइप जिससे ब्रिदिन ब्रिद जो है लंग्स में चला जाता तो है ये विंड पाइप है आगे की तरफ दैट इज ट्रैकिया ट्रैकिया भी कहते हैं ट्रैकिया ये लंग्स है दोनों लेफ्ट राइट लंग्स है और यहां पर ये लंग्स जो ट्रैकिया से जाके जो लंग्स में प्रोवाइड करता है वो पार्ट जो यहाँ पे है ब्रॉन ब्रॉन्क दो होता है ब्रॉन् ब्रोंकस कहा जाता है एक्चुअली इसको ब्रोंकस एंड प्लूरल uh, में ब्रोंकी ब्रोंकी कहा जाता है ब्रोंकी uh, और, एक, एक और एक अंदर का पार्ट बता रहे लंग्स तो में से एक पार्ट पूरा लंग्स है और ये दूसरा एक अंदर की तरफ बताया हुआ है डायग्राम में फिर ये जो आपको दिख रहा है ये लंग्स का लंग्स किस चीज का बना है तो लंग्स के पार्ट्स में लंग्स इज बेसिकली एयर जमा करने की जगह है वो एयर सैक्स होते हैं उसके अंदर एयर सैक सैक यानी बैग बोल सकते हैं एयर बैग्स बोल सकते हैं जिसके अंदर हवा भरते हैं हम ऑक्सीजन भरते हैं हम उसके अंदर ओके सो so, यहां पर पूरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमारा हार्ट से आर्टरीज एंड वीन्स यहाँ पे जो ब्लू और रेड आपको दिख रहा है वो कनेक्टेड होती है इससे इसको हम एल्वियली बोलते हैं एल्विओली एयरसेक बेसिकली इसके अंदर हवा ऑक्सीजन uh, जो है बेसिकली हमारा एयर हवा जो है वो कैप्चर होता है एलविओलिज ये जो है जो वो लोग ने जूम करके यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो नीचे की तरफ ये ठीक से दिख नहीं रहा है बट दैट इज जो है दैट इज इज आई होप दिस स्पेलिंग राइट जी साइलेंट होता है इसके अंदर डायफ्रम सो ये डायफ्रम क्या करता है वो अपने आप को ऊपर नीचे एडजस्ट करता है जिससे लंग्स जब फिल इन होते हैं तो डायफ्रम उसकी जगह ले लेता है और आ, आ, लंग्स हमने फिल किया तो डायफ्रेगम नीचे हो जाता है और फिर वापस से ऊपर होता है और लंग्स वापस से एयर बाहर छोड़ देते हैं तो ये फंक्शनिंग है बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ये चार्ट दिया था तो मैंने फिल करके आपको बता दिया लेट्स जस्ट रीड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम रेस्पिरेशन अकर्स एट टू लेवल एज बॉडी एट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है एट बॉडी एंड एट सेल्युलर लेवल तो अब सबसे पहले तो आपको पहली बार ये आप शायद से आप आधे यू नो पढ़ रहे होंगे कि नॉट जस्ट ये बॉडी लेवल का रेस्पिरेशन हो गया हमारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन सेल लेवल पे भी होता है इट मींस ईच सेल ईच सेल भी हमारा रेस्पिरेशन करता है यानी कि ऑक्सीजन लेता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड देता है तो ये सेल्यूलर लेवल का जो रेस्पिरेशन है वो हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं ओके सेल्यूलर लेवल का जो रेस्पिरेशन है ये हम देखने वाले हैं ओके सो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग एट बॉडी लेवल केस ऑफ रेस्पिरेशन एट सेल्युलर लेवल स्टफ्स आर ऑक्सीडाइज इधर विद और विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो अब

उसमें ये जितने टर्म्स हम लोग यूज कर चुके थे वो सारे टर्म्स भी यहाँ पे यूज होने वाले हैं ठीक है ऑक्सीडेशन क्या, क्या होता है तो ये सारा चीज यहाँ पे यूज होने वाला है तो पहले वो चैप्टर पढ़ना फिर ये चैप्टर पढ़ना तभी जाके समझेगा सो so, इस तरह से देर आर टू टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशन होगा विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन सो सिंपल भाषा में हम अभी पढ़ेंगे इसका टेक्निकल टर्म्स हम बोलेंगे एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक हम देखेंगे एंड एन एरोबिक हम देखेंगे तो दोनों केसेस में कैसे हमारा बॉडी जो है फूड स्टफ्स का जो मटेरियल है उसको पूरा ऑक्सीडाइज कर देता है यानी कि एक तरह से पूरा डाइजेस्ट करके पूरा उसको ब्रेक डाउन कर देता है एंड कैसे हम उसमें से एनर्जी निकालते हैं तो आपको ये याद रखना है एयर लेटमी राइट एट एयर एरोबिक रेस्पिरेशन एरोबिक एरोबिक इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में एयर नाम से ही आपको समझना है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि एयर इनवॉल्व है यानी कि ऑक्सीजन इसमें इन्वॉल्व है ऑक्सीजन के साथ विथ ऑक्सीजन वाला ये एरोबिक एंड एन एरोबिक, एन एरोबिक, विदाउट ऑक्सीजन वाला विदाउट ऑक्सीजन वाला ओके okay? so, ये आपको दो टर्म्स सबसे पहले फिर से टेक्निकल टर्म्स जो है वो समझने हैं ओके सो लेट्स मूव अहेड आगे बढ़ते हैं कैन यू टेल में आपको बोला गया है कि हाउ मेनी एटम्स आर ऑफ सी एच ओ दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कितने अः एटम्स प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर उनके बीच में क्या केमिकल बॉन्ड है और जब हम ऑक्सीडाइज कहते हैं इट मीन क्या होता है तो फिर फिर से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि इसके अंदर हम लोग जो है केमिस्ट्री का जो हमने चैप्टर पढ़ा उसके बहुत सारे टर्म्स यूज करने वाले तो अब आपको पता होना चाहिए व्हेन वी से ऑक्सीडाइज्ड या रिडक्शन सो so मतलब क्या क्या था हमने पढ़ा था कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और लूजिंग हाइड्रोजन ये सारी चीजों को हम ऑक्सीडाइज कहते हैं ऑक्सीडाइज प्रोसेस कहते हैं राइट सो यहां पर यही होता है फूड का जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में होता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है इट मीन या तो वो ऑक्सीजन के साथ मर्ज होता है कहीं ना कहीं या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या तो वो हाइड्रोजन लूज करता है अपने अंदर से तो ये मेन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन लूज करना अपने में से और यू नो वाटर फॉर्म होता है और कार्बन लूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ मर्ज हो जाता है ये सारी चीजें होती है एक साथ एक फूड स्टफ जब हमारा ऑक्सीडाइज होता है ओके सो लेट मी राइट ग्लूकोस जो है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कार्बोहाइड्रेट जो है सो होगा, होगा, ग्लूकोज तो है सिंपल शुगर जो है इसका मोलिकुलर फॉर्मुला इज सी सिक्स एच तो ये बहुत ही सिंपल है सिक्स ट्वेल्व सिक्स ये हिसाब से आपको याद रखना है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये है ग्लूकोज का मॉलिकुलर फॉर्मूला ओके अब एक सिंपल टर्म में लाइक like इक्वेशन के हिसाब से अगर बताऊं तो ऑक्सीजन का टोटल इसके अंदर हम लोग सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं एंड इसका रिजल्ट हमें निकलता है इसका केमिकल रिएक्शन इसका रिजल्ट हमें निकलता है एरो करके विच कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है हमें सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है सिक्स वाटर आ जाता है एंड एनर्जी हीट एनर्जी रिलीज होती है सो so, यहां पर ये जो हीट है ना यही जो है यही जो है एनर्जी फॉर्म बाद में कन्वर्ट होके एटीपी एटीपी फॉर्म होती है विच इज अवर एनर्जी की करेंसी हम बोलेंगे इसको आगे जाके एटीपी क्या है ये हम डिटेल में आगे भी बात करेंगे फिलहाल आपको समझना है जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होता है ये सिक्स ओ टू यानी कि हमने ऑक्सीजन जो अंदर लिया सिक्स ओ टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है वॉटर फॉर्म करता है एंड हीट एनर्जी यानी एनर्जी जो हाई हाई एंड एनर्जी जो है जो स्टोर होती है इन फॉर्म्स ऑफ एटीपी जिसको हम बोलते हैं वो फॉर्म होती है तो ये आपको एक मैंने केमिकल रिएक्शन बता दिया इस चीज का ओके अब ये सारी चीज हम समझते हैं पढ़ के ओके लेट्स रीड कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम आर मेनली फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डेली नीड तो एकदम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारा खाना दिन का वो हम एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं दिस एनर्जी इज ऑपटेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला एनर्जी कौन से फॉर्म में मिलती है हमें एटीपी नाउ एटीपी का फुल फॉर्म क्या है वो सब हम थोड़ा सा अभी पढ़ेंगे फिलहाल आप समझिए एनर्जी किस फॉर्मेट में है एटीपी फॉर्मेट में है एनर्जी की करेंसी का नाम क्या है एटीपी नाम है ओके फॉर दिस पर्पज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स तो इसी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का एक ही हिस्सा जो टूट के ग्लूकोज बनता है वो ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडाइज होने लगता है स्टेप बाय स्टेप ये तो मैंने आपको एक रफली केमिकल रिएक्शन बता दिया उस चीज का लेकिन ये प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप जाता है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं ओके स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन और इसी को कहा जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन द ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस ऑफ ग्लूकोज़ इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन ग्लूकोस जो स्टेप बाय स्टेप सेल के अंदर सेल के वजह से जो टूट के पूरा हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट करता है उसी को हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल्यूलर रेस्पिरेशन अकर्स अमोंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय टू टू मैथड दो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व तो मैंने अभी आपको यह बात बताई कि जो दो टाइप था ऑक्सीडाइजेशन की जो हम बात कर रहे थे विद ऑक्सीजन वाला एरोबिक रेस्पिरेशन एंड विदाउट ऑक्सीजन वाला एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन अब सबसे पहले हम एरोबिक पढ़ने वाले हैं इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन थ्री स्टेप्स तो अब सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज का थ्री स्टेप्स के अंदर aerobic respiration के अंदर पूरा वो वो होता है वो हम पढ़ेंगे ओके? तो पे भी आपको मैं फिर से एक rough idea पहले देता हूं सारी चीज का फिर हम इसमें अगेन बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आने वाले हैं तो उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए टू शो दिस थिंग्स इन वाइट बोर्ड आई एम गोना शो दिस वाइट so, बोर्ड पे पहले आपको मैं बताऊंगा उसके बाद हम वो रीडिंग करेंगे सो लेट मी यहां पे शो यू समथिंग ओके सबसे पहले हम करने वाले हैं देर आर टू टाइप्स देर आर टू टाइप्स एरोबिक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन ठीक है एरोबिक यानी कि विथ ऑक्सीजन वाला विथ ऑक्सीजन वाला एंड ये विदाउट ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन नहीं होता है इसके अंदर। विदाउट ऑक्सीजन वाला नाउ एरोबिक का थ्री स्टेप्स है एरोबिक के कितने स्टेप्स है ए एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्री स्टेप्स हमने वो देखे, एक एक डिस्कस करेंगे हम ग्लाइकोलिसिस है ग्लाइको glyco, ग्लाइकोलिसिस है फिर देर इज अ थिंग साइकिल भी कहा जाता है इसको ट्राई कार्बो ऑक्सिलिक साइकिल भी कहा जाता है आपके बुक में ट्राई कार्बो ऑक्सीलिक साइकिल इसको कहा गया है ट्राई कार्बो ऑक्सीलिक साइकिल जिसे सिट्रिक साइकिल भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है सिट्रिक साइकिल और इसका दूसरा नाम है क्रेब्स साइकल। क्रेब्स साइकल। एक ही चीज का अलग अलग नाम मैं आपको बता रहा हूं और तीसरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का प्रोसेस ठीक है सो तो ये तीन मेन स्टेप्स है ये तीन मेन स्टेजेस हम बोल सकते हैं जिसके अंदर रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता है अब ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है सबसे पहले देखेंगे वॉट इज ग्लाइकोलिसिस तो ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलिस ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले इसका मतलब होता है ग्लूकोस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोस, लेसिस यानी कि ब्रेकडाउन इट मींस ग्लूकोस का ब्रेकडाउन होना ग्लूकोस को तोड़ देना ग्लूकोस प्लस ब्रेकडाउन इसका मीनिंग होता है ग्लूकोस तोड़ देना तो ग्लूकोस टूट जाता है ग्लाइकोलाइसिस gly उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है तो मैंने आपको कहा हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली देयर इज कार्ब्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें से आता है ग्लूकोस अब ग्लूकोस जो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था C था राइट कितना था C6 कार्बन का 6 यू नो एटम्स थे तो यहां पे हम और ऑक्सीजन सिक्स था हाइड्रोजन था यहां पर uh, हम लोग सिर्फ कार्बन की बात कार्बन रिलेटेड बात करने वाले हैं मैं ऊपर फिर से पूरा लिख रहा हूं वो एक्चुअली क्या है मोलिकुलर फॉर्मुला सी सिक्स एच टूवेल्व ओ सिक्स है ओके okay? लेकिन हम यहां पे सिर्फ कार्बन रिलेटेड में आपको थोड़ा बताने वाला हूं कि कार्बन कैसे अलग होते जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होते जाता है ओके okay? तो ये हम देखेंगे कार्बन का चेन कैसे टूटते जाता है ओके इसीलिए लूज इलेक्ट्रॉन इसीलिए ऑक्सीडाइज प्रोसेस क्यों कहा गया इसको ऑक्सीडाइजेशन कैसे हो रहा है वो लूज करते जाता है इलेक्ट्रॉन अपने पूरे प्रोसेस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करते जाता है एनर्जी फॉर्म करते जाता है एंड ऑक्सीजन इंटेक करते जाता है जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ले रहे हैं वो इंटेक करते जाता है तो जो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ वो कार्बन कहां से आया तो ये ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसी से कार्बन वो आया है तो ये आपको थोड़ा सा मैं कार्बन का चेन हम मैं बताऊंगा तो so, सबसे पहले जब ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इट ब्रेक डाउन इन टू टू सी थ्री सी थ्री ऐसे दो बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्यूरवेट पाइरुवेट भी बोलते हैं इसका, पाइरुवेट बोलो या पिरुवेट बोलो प्रनाउंसिएशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट प्यूरुबेट हम मैं कहूंगा इसको जिससे पायरुविक एसिड बनता है दोनों ही ये ओके लेट मी चेंज कलर्स फॉर दिस सब कुछ रेड रेड हो रहा है सो so, बेसिकली ये दोनों ही पिरुवेट पिरुवेट फॉर्म होता है थ्री सी थ्री कार्बन का ये पिरुवेट फॉर्म होता है एंड ये दोनों स्प्लिट होके अब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो हम खाली एक को ही ट्रैक करने वाले हैं हम सिर्फ एक को ट्रैक करेंगे ये जो है पाइरुवेट ये ही प्यूरविक एसिड फॉर्म करता है क्या फॉर्म करता है प्यूरविक एसिड फॉर्म करता है प्यूरविक एसिड फॉर्म करता है ये सब टेक्निकल टर्म्स है थोड़ा आपको साथ में वो चीज समझनी ये सारे टेक्निकल टर्म्स है एसिड फॉर्म होता है हमारे बॉडी में नाव जब ये ब्रेकडाउन होता है इंटू प्यरुबिक एसिड तब साथ में तब साथ में, तब साथ में, तब साथ में में जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है एंड लेट मी मेक इट इन ए डी एच भी फॉर्म होता है एन ए डी एच भी फॉर्म होता है तो ये आपको यहाँ पे समझना है पहले फिर से नया टर्म आ गया पहले समझते हैं ग्लूकोज कार्बन का था वो सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है उतना प्रोसेस को कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद टू गो इन द नेक्स्ट साइकिल ट्राई साइकिल क्रेप साइकिल में जाने से पहले ये जो ब्लैक वाला पार्ट में बना रहा हूं जिसमें प्युबिक एसिड फॉर्म हुआ है ओके वो वाला पार्ट जो है इट इज एक्चुअली प्री साइकिल का फेज जिसको हम बोलते हैं साइकिल के पहले का फेज होता है लेकिन आपके बुक में ग्लिकोलिसिस के प्रोसेस में ही ये पूरी बात एक साथ आ गई है ओके okay? रियलिटी uh, में ग्लिकोलिस इज जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इंटू टू प्युविट एंड प्युबिक एसिड फॉर्म हो जाना ठीक है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बेसिकली प्यूविट जो है प्यरुविड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडेशन से प्यूरुविट एसिड फॉर्म हो जाता है प्यूरुबिक एसिड फॉर्म हो जाता है और जब ये होता है तो एक कार्बन वो लूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है एनएडीएच फॉर्म करता है नाउ व्हाट इज अगेन एनएडीएच तो एनएडीएच यहां पे मैं टेक्निकल टर्म लिख रहा हूं एनएडीएच टू भी एसएम टू भी बोलते हैं इसको सो ये बेसिकली विटामिन बी3 जो होता है नियासिन उसी का ये फॉर्म है इसलिए इसका नाम है निकोटीडामाइड निको टीनामाइड एडेनाइन एडेन भी कहते हैं शायद से, से एडेनिन एडेनाइन एडेनिंग प्रोनंसिएशन पे ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है निकोटीनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लोटाइड डाई न्यूक्लोटाइड स्पेलिंग राइट लिखी ओके सो पे आपको समझना है यहां पे आपको समझना है कि ये जो है एन ये आपका एच पूरा ये आपका न्यू टर्म है ये सारा हम डिटेल में अभी पे आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये जितना सिंपल यहाँ पे लोग ने एक स्टेप बाय स्टेप बोल दिया अभी आप हम रीडिंग करेंगे ये इतना सिंपली सेंटेंसेस में बोल दिया है स्टेप बाय स्टेप वो इतना सिंपल प्रोसेस है नहीं ये इसमें बहुत सारी चीजें होती है और तब जाके एनर्जी प्रोडक्शन होता है तो हम मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था हम खाली एक लेयर पढ़ रहे हैं ऊपर से पढ़ रहे हैं कि ये एक क्या है बिग पिक्चर हम देख रहे हैं तो यहां पे आपको सिर्फ इसका नाम आ, समझना है कि जब प्यूरुवेट जो है C3 आ, टोटल कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ वो ऑक्सीडाइज होता है तब प्यूरुविक एसिड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है एंड एन फॉर्म होता है एन फॉर्म होता है नाउ इंपॉर्टेंट क्या है उसकी क्या बात याद रखनी वो मैं आपको बताऊंगा जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है है ये क्या चीज वो मैं आपको बताता हूं जो एनर्जी फॉर्म होती है दैट इज एनर्जी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी इज नथिंग बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है आप जैसे कि देख सकते हो एन जो एच है दैट इज हाइड्रोजन तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है साइकिल के अंदर और हाइड्रोजन को रिलीज करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपने अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिलीज करता है ये जो काम वो करता है वो इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक्सेस इलेक्ट्रॉन कैरी भी करता है तो ये जो काम करता है इसीलिए एनएडीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको यहाँ पे उसको एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर या इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह उसको याद रखना है कि वो इस रिएक्शन में एंजाइम के साथ मिलके एंजाइम्स क्या होते हैं एंजाइम्स आर एनीथिंग जो हमारा रिएक्शन थी कैटलिस्ट बेसिकली हम बोलते हैं एंजाइम्स हमारे बॉडी में कैटलिस्ट का काम करते हैं रिएक्शन को तेज कर देते हैं रिएक्शन में हेल्प करते हैं तो ये एन टू एंड आगे एक और आएगा एफ ए डी एच टू ये दोनों जन क्या करते हैं ये दोनों जन इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं और इन्हीं के वजह से एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट में आप हमारा जो थर्ड स्टेप था यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहुंचाते हैं ओके तो ये यहां पे समझना है एन एंड एफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं इन दिस होल प्रोसेस जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये उसमें ये उसमें वो काम करते हैं तो सबसे पहले फिर से हम बात करेंगे ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया दो पार्ट में दैट इज सी थ्री सी थ्री जिसमें हम एक पूरा फॉलो करेंगे प्यूरुबेट ऑक्सीडाइज हो गया ऑक्सीडाइज होकर प्यूरुबिक एसिड फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है एंड एनएडीएच फॉर्म होता है अब जो प्यूरबिक एसिड है वो आगे जाके वो आगे जाके लेट मी चेंज कलर बैक लेटमी एसिड जो है वो आगे जाके take, वो जो उसने दो अब कार्बन उसने कार्बन एक ऑक्सीडाइज कर कार्बन एक लूज हो चुका है ठीक है इसका एक कार्बन चला गया है अब सिर्फ दो कार्बन बचे हैं ये फॉर्म होता है एसिटिल को ए नाउ व्हाट इज अगेन एक नया टर्म आ गया एसिटिल को ए एसिटिल को ए क्या है वो आप समझते हैं सो एसिटिल को अगेन एक एसिड है दैट इज एसिटिक एसिटिक एसिड जो हमारा होता है उसका ही एक पार्ट होता है एसिटिल को एंजाइम ए नाउ ये इसका पूरा नाम है एसिटिल को एंजाइम ए अब को एंजाइम फिर से वर्ड आया को एंजाइम वर्ड का मतलब होता है ये एंजाइम के साथ मिलके एंजाइम के साथ मिलके ये रिएक्शन में पार्ट लेता है और ये टू सीस को आगे वो लेके जाके अदर सिट्रिक एसिड फॉर्म करेगा विध मोर फोर नेक्स्ट क्रेब साइकिल जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल जिसको हम कहते हैं वो चालू हो जाता है क्रेब साइकिल चालू हो जाता है तो पहले आपको ये इतना पूरा टेक्स्ट बुक के अंदर इतने पूरे प्रोसेस को ग्लिकोलिस कहा गया है इतने पूरे प्रोसेस को ग्लूकोज uh, का ब्रेकडाउन कहा गया है ओरिजिनली ग्लूकोज ब्रेकडाउन जितना मैंने रेड पार्ट में बताया साइकिल साइकिल में जाने के लिए सिर्फ प्रिपेरेटरी स्टेज है ये ओके एसेटल को एंजाइम फॉर्म हो जाता है उसके आगे फिर ये क्रेब साइकिल में चला जाता है क्रेब साइकिल के अंदर जाते ही अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है फॉर्म होता है, एन ए डी एच टू फॉर्म होता है उसके अंदर एंड एनर्जी फॉर्म होती है उसके अंदर तो ये चीज हम देखेंगे नेक्स्ट क्रेप साइकिल में अभी पहले हम टेक्स्ट बुक के अंदर ग्लिकोलिस प्रोसेस जितना हमने देखा वो रीड करके आते हैं ओके सो लेट्स मी शेयर देखिए थोड़ा सा ये यू नो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बिलीव मी वंस यू गेट होल्ड गेट कंफर्टेबल विद द न्यू वर्ड्स न्यू वर्ड्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ तो ये पूरा बेसिकली चिंदी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है पूरा ओके okay? तो देखिए uh, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ से ग्लिकोलिसिस फर्स्ट स्टेज जो आपको दिख रहा है ग्लिकोलिस ओके okay? ये मी मार्क ओके So, हम पहले ये पढ़ेंगे ओके okay? इतना हमने देख लिया अभी तक प्रोसेस ऑफ अकर्स इन ग्लूकोलिसम ओके तो ये सब पहले तो कहां हो रहा था ये मैं आपको बोलना भूल गया सेल के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये जो बाकी का पूरा हिस्सा होता है फ्लूड जो होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं साइटोप्लाज्म में ये सारा होता है ओके अब मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज तो मैंने क्या बोला आपको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या है इट इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीडाइज यानी ब्रेक डाउन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन द प्रोसेस ब्रेक डाउन हो रहा है जिसमें से टू मॉलिक्यूल्स ऑफ़ ईच दो चीज के दो बनते? तो मैंने आपको यह बताया प्युविक पायरुविक इसका सो so, पहले तो टू बोला टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक बनने वाले हैं पायरुविक एसिड पायरुविक एसिड टू एस फॉर्म होते हैं इसके अंदर टोटल टू एटीपीज फॉर्म होते हैं एंड टू एच टू फॉर्म होता है एंड टू वॉटर ओके कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है वो हम आगे पढ़ेंगे अभी सो पायरुविक एसिड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच पायरुविक एसिड फॉर्म होता है एटीपी फॉर्म होता है एनएडी फॉर्म होता है एंड वॉटर फॉर्म होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फॉर्म इन दिस प्रोसेस आर कन्वर्टेड इन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐटिल को एनजाइम ए तो यह मैंने फिर आपको नेक्स्ट आगे क्या बताया था कि पायरुविक एसिड ही जो है वो ब्रेक डाउन होता है फर्दर इट ब्रेक इन टू एसिटिल कोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो यह मैंने आपको बताया था जब पायरुविक एसिड ब्रेक डाउन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होता है एनएडीएच टू फॉर्म होता है एंड एसिटिल को एंजाइम फॉर्म होता है तो इतना पूरे प्रोसेस को ये लोग ने ग्लाइकोलाइसिस कहा हुआ है ओके सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा थोड़ा यू नो पेशेंस के साथ वर्ड्स को समझिए और uh, पढ़िए तो जरूर आपको समझ में आएगा नेक्स्ट हम लोग जाने वाले हैं ट्राई कार्बो एसिड साइकिल यानी कि क्रेब्स इसको हम साइकिल कहते हैं तो क्रेब साइकिल क्या होता है हम तो लोग तो लेट मी आ, वेट वेट तो, जैसे कि डिस्कस कर लिया हम लोग ने कि ये टू अलग अलग टू ये टोटल एसिड्स बन जाते हैं तो हमने ने एक को ही ट्रैक किया था ये नीचे का अगर ट्रैक करते तो यहां पर भी पायरुविक एसिड आता था यहां पर भी था यहां पर भी एस को आता था को आता था तो ये टू टू आपको समझना है दो दो होते जा रहा है फिलहाल नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल आपको यहाँ पे प्रोसेस का लिंक समझना है तो क्रेब साइकिल को आगे लेके जाते हैं अभी क्रेब साइकल्स को आगे लेके जाते हैं तो क्रेब्स साइकिल तो जो है बेसिकली एसेटिल 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 को ए जो है दैट इज टू कार्बन यहां पर ये अदर फोर कार्बन से जुड़ता है अदर फोर कार्बन के साथ जुड़ता है एंड इट फॉर्म्स अगेन सिक्स कार्बन का चेन अगेन सिक्स कार्बन का चेन बन जाता है दैट इज सिट्रिक एसिड बन जाता है ओके okay, प्रोसेस में और फिर वापस से वो एक एक कार्बन रिलीज करते जाता है ये साइकिल है यहां पर एक एक कार्बन रिलीज करते जाता है जिसमें सीओ टू सीओ टू फॉर्म होता है ये मैं ऐसे लाइन से लिख रहा हूँ नॉट नेसेसरी ये लाइन से ही ब्रेक होता है सीओ टू एक बार होता है फिर आगे जाके सीओ टू होता है फिर एनएडीएच एनए डी एच टू फिर से आता है एफ ए डी एच टू का फुल फॉर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मैंने एन ए डी एच टू का बता दिया था एफ एफ ए डी एच टू ये भी सेम काम करता है इट इज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को होल्ड करता है कैरी करता है और लास्ट प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाता है सो so, ये है फ्लेवाइन राइबोफ्लेविन जो होता है बी टू ओके ये पहले विटामिन बी टू है वो वाला विटामिन बी थ्री था विटामिन बी टू है ये राइबोफ्लेविन पूरा नाम जो होता है इसका राइबोफ्लेविन उसी से इसका नाम आता है दैट इज फ्लेविन एडिन इन एडेन इन डाय न्यूक्लियोटाइड डाय न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड सो अब ये भी फिर से आपको समझना है फ्लेविन एडिनाइन डाय न्यूक्लियोटाइड यानी कि इसके अंदर अगेन अच्छा डाई न्यूक्लियोटाइड एडेनाइन ये सब क्या है आपने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अगर देखा होगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी ये समझने के लिए कि हमारा डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा रायबोज शुगर के साथ जो डाई न्यूक्लोटाइड यानी कि दो न्यूक्लोटाइड्स डाई यानी कि टू दो न्यूक्लोटाइड्स के साथ फॉर्म होकर जो फॉस्फेट का ग्रुप बन रहा था उसे कहा जाता है और फॉस्फेट ग्रुप में हमने देखा था नाइट्रोजनस बेस एडेनाइन एडेनिन जो था हमारा एडेनिन वो होता है तो यहां पर वो सेम चीज है ये वही है जो हमने फर्स्ट uh, चैप्टर में देखा था ओके okay? यहाँ पे बस वो कंबाइन किसके साथ है फ्लैवाइन के साथ कंबाइन है तो अगेन ये क्या काम करता है yeah, FAD है FAD है ये प्रोसेस में वो FADH2 बन जाता है, और बाद में फिर से एच रिलीज कर देता है और ये भी एन है ये भी एन ए डी प्लस इनफैक्ट फैक्ट एन प्लस यानी कि वो पॉजिटिव आयन है एन होता है और जो एन ए फॉर्म हो जाता है तो ये आपको थोड़ा सा आ, कुछ चीजें हैं जो अलग से याद रखनी है और फिर ओवरऑल पिक्चर में आपको ऐड करनी है तो अगेन एसिटिल को एसिटिल को जो था वो फोर कार्बन एटम्स के साथ मर्ज होके सिट्रिक एसिड फॉर्म करता है और फिर धीरे धीरे वो फिर से लूज करते जाता है और यही दो लूज करके दो बार कार्बन लूज करके ये फिर से चार कार्बन रेडी हो जाता है नेक्स्ट एसिटिल को तो ये पूरा प्रोसेस ऐसे ये देखिए घूम के फिर से वो चार ही बनता है वापस से लास्ट में तो इसीलिए दो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कार्बन दो रिलीज हो गया ओके यहाँ पे एक कार्बन चला गया यहाँ पे कार्बन चला गया तो फिर से फोर कार्बन हो गया तो फिर से ये प्रोसेस होते रहता बार बार इसीलिए साइकिल कहा गया है ओके okay? तो ओवरऑल आपको खाली ये समझना है एसिटिल को एंजाइम ए इट गोज ये ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीडाइज हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज होता है एंड वो क्या क्या रिलीज करेगा एनर्जी रिलीज करता है दैट इज योर एटीपीज ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है ये वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म करता है ये एन एंड एफ फॉर्म करते जाता है नाउ ये आपको बस ये बिग पिक्चर देखना है ज्यादा उसको यू uh, नो you know, क्वेश्चनिंग फिलहाल नहीं करना है कि अरे ये कैसे क्या क्योंकि ये है ना बहुत ज्यादा डेप्थ में है टॉपिक इलेवेंथ ट्वेल्थ के अंदर तो अभी ये कोई सेंस नहीं बनता है कि मैं आपको इसकी बात करूं और यू uh, नो you know, ये आपको समझाने बैठू आपको बस आपको यहाँ पे मेन पिक्चर समझना है कि ट्राई कार्बोऑक्सिलिक एसिड साइकिल क्या होता है तो लेट मी अगेन इतना रीड करते हैं हम लोग जो ये लोग ने सिंपल आप देखिए तीन लाइन में एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको पूरा साइकिल बताया सबसे पहले यही है हमारा क्रेप साइकिल एक साइंटिस्ट थे उनके नाम से क्रेब उनके नाम से है क्रेप साइकिल की थी और दूसरा है, कहा, कहा है, तो में है कि सिट्रिक साइकिल इसको कहते हैं सो ट्राई कार्बो तो ये नाम क्यों है मैं आपको ये बता देता हूं ताकि आपको ये नाम याद रहे ट्राई कार्बोलिक अब अगर आप लोग मेरा वीडियो पहले से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा हर एक केमिस्ट्री में जो नेम था डाई यानी दो कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड यानी टू ट्राई कार्बो एसिड चेन है ना ग्रुप क्या होता है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये ग्रुप फॉर्म होता है जिसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर सीओओ सी ये जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं उसे कार्बो कहा जाता है कार्बो नाम है तो हमने देखा कि कार्बन से मैंने कार्बन को ही ट्रैक कराया पूरे टाइम तो कार्बन के ही मॉलिक्यूल्स जो है वो कार्बो एसिड यानी सीओओ फॉर्म होते हैं बीच में इसीलिए इसको कार्बो एसिड के नाम से जाना जाता है लेट्स जस्ट रीड इट क्विकली ओके अब ये खाली रीड करते प्रोडक्ट से सो so, बोध द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल को बोला? हमने एक को ही ट्रैक किया नीचे वाला हमने ट्रैक नहीं किया तो नीचे भी बन रहा होगा राइट तो बोध बोधर मिटोकॉन्ड्रिया अब सेल के अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में से ये लोग मिटोकॉन्ड्रिया जो था हमारा लेटमी ड्रॉ मिटोकॉन्ड्रिया मिटोकॉन्ड्रिया में ये फॉर्म होते हैं सो मिटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर होता है उसका डबल उसका जो इनर इनर वॉल जो बोल सकते हैं हम उसको डबल होता है एंड ये प्रोसेस जो है इसके अंदर जाते हुए होती है ओके okay? इसके अंदर जाके होती है यहां पे सो so ये पूरा जो प्रोसेस है ट्राई कार्बो एसिड साइकिल जो है ये पूरा मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है यहाँ पे आपको ये ओके uh, okay, ये डायग्राम देखो उसी का दिया हुआ है ये लोग ने uh, मिटोकॉन्ड्रिया का सो so, ये इसके अंदर ये सारी चीजें होती है ओके okay? साइटोप्लाज्म बाहर था सेल के अंदर साइटोप्लाज्म था उस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल घूम रहा था मिटोकॉन्ड्रिया घूम रहे थे ओके okay? मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके हमारा ये क्रेब्स साइकिल जो है वो होता है ओके सो लेट्स रीड अहेड लेट मी क्लियर दिस थोड़ा बहुत मैसी हो गया ओके सो बोथ द मॉलिक्यूल्स अगेन रीडिंग फ्रॉम बोथ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटल को एंजाइम एंटर द मिटोकॉन्ड्रिया Cyclic chain of reaction called तो तो ने देखो एकदम simple line में बोल दिया कि कि एक यानी रिपीट होता है चेन रिपीट होते जा रहे है साइक्लिक मतलब गोल 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 बार 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 तो वो मैंने आपको ये भी बताया कार्बन के साथ वो बार बार क्यों हो रहा है ओके okay? सो so, आपको वो याद रखना है तो so, एक साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शन होते रहता है जिसके अंदर

ब्रेक डाउन हो जाता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज हो जाना ऑक्सीडाइज थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ हमने देखा था हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा था एन ए डी एच टू फॉर्म हो रहा था एंड एफ ए डी एच टू फॉर्म हो रहा था ओके okay, तो दैट वॉज क्रेब्स साइकिल क्रेब साइकिल के लिए हमें डायग्राम भी ये फॉर्म दिखाने की कोशिश की है थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूं फिर ये देखते हैं ओके, सो आई होप थोड़ा इसको जूम भी कर देता हूँ okay. uh, so, की uh, कोशिश कर रहे और साइकिल होते होते देखो बाहर से प्यूविक एसिड अंदर आता है बाहर से प्युविक एसिड अंदर आता है और साइकिल इसके अंदर वो बिकॉज ऑफ एंजाइम्स एंड बिकॉज ऑफ मिटोकॉन्ड्रिया का जो काम है बेसिकली उसके वजह से वो साइक्लिक प्रोसेस चालू होता है जिसके अंदर एनएडीएच फॉर्म होने लगता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने लगता है एनएडीएच फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है एफएडीएच टू फॉर्म होता है तो ये बनते जाता है ये आपको समझना है नाउ मैं स्टार्टिंग से आपको जो बात बोल रहा था कि एनएडीएच टू एंड एफ ये लोग कौन है दे आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स वो इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का काम करते हैं ये लोग इलेक्ट्रॉन्स ये पूरे प्रोसेस में एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको लेके जाते हैं उसको लेके जाते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन के पास लेके जाते हैं तो थर्ड प्रोसेस हम देखेंगे हमारा यहाँ पे जहां पे हमारा फाइनल पूरा पूरी तरह से मतलब हमारा ग्लूकोज अब

थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर ऑप्टेन फ्रॉम एन टू एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर एटीपीड फ्रॉम एफ एडीएच एकदम सिंपल भाषा में आपको बताता हूं मैं NADH2, टोटल हमने देखा एक पूरे साइकिल में एक पूरा जो हमने ट्रैक किया था उसके अंदर स्टार्टिंग में हमने देखा टू फॉर्म हो रहे थे फिर बाद में साइकिल के अंदर तीन फॉर्म हो रहे थे तो फाइव हो गए और नीचे अभी प्यूरबिक हमने पहले तो स्प्लिट क्या किया दो स्प्लिट किया हमने, राइट दो स्प्लिट किया हमने तो ऊपर एक पूरा ट्रैक किया उधर फाइव था और नीचे भी फाइव होगा मतलब थ्री एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं इसमें से कितने एटीपी फॉर्म होते हैं आपस में वो मॉलिक्यूल यू नो मर्ज हो जाते हैं रिएक्ट हो जाते हैं और रिएक्शन के बाद कितनी एनर्जी वो मिलती है तो एक एन से तीन मिलती है इट मीन्स टोटल टेन से थर्टी एटीपी थर्टी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं मॉलिक्यूल्स फॉर्म एंड एफ एडीएच टू सिर्फ एक ही बार फॉर्म हुआ था साइकिल uh, के अंदर ऊपर तो नीचे भी एक होगा तो टोटल टू टाइम्स एफ एडीएच टू था और एक एफ ए डी एच टू से टू ए टीपी फॉर्म होते हैं तो इन टू टू करूंगा तो फोर एटीपी फॉर्म होते हैं फोर एटीपी फॉर्म होते हैं ओके okay? एंड पूरे प्रोसेस में खुद एटीपी भी अपने आप डायरेक्ट भी बनते हैं डायरेक्ट भी फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो रहे थे ओके okay? फॉर्म हो रहे थे तो वो डायरेक्ट जो एटीपी फॉर्म हो रहे थे तो वो कितने थे तो हमने स्टार्टिंग में देखा था एक था एंड साइकिल uh, के अंदर फिर से हमने देखा था अराउंड uh, थ्री थे तो फोर अगेन एटीपी ऐड हो जाते हैं तो ये टोटल थर्टी प्लस फोर प्लस फोर

एडोनोस एडनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है एडनोसाइन ट्राई लेट मी राइट इट हियर ट्राई ट्राई तीन तीन यानी team, अब फॉस्फेट वर्ड से आपको समझना है मैंने आपको बताया था कि देखिए एनएडीएच में भी क्या था डाई न्यूक्लोटाइड न्यूक्लोटाइड में नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं फॉस्फोरस बेस जो होते हैं राइट फॉस्फोरस का बेस होता है तो वो फॉस्फेट ये सब इसलिए कनेक्टेड है तो वो डिटेल में जाएंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा इसलिए आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से याद रखना है एनएडीएच टू एफ एडीएच टू ए का तो सिर्फ फुल फॉर्म याद रखना है ओके और वो कैसे पूरा मेन आपको प्रोसेस याद रखना है कि प्यूर एसिड आया प्यूरुबिक एसिड एसिटिल को में कन्वर्ट होता है वो आगे जाके साइकिल पूरा फॉर्म करता है उसके अंदर एनएडीएच टू एफ एडीएच टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ए फॉर्म होता है तो आपको ये मेन पिक्चर फिलहाल समझना है इतना आपको प्रोसेस खाली समझना है और उसके बारे में और डिटेल में फिलहाल नहीं जाना है ओके तो इसका फुल फॉर्म इज एडोसाइन ट्राइफेट दैट इज एटीपी ए हम कब से बोल रहे हैं ओके जब अच्छा एटीपी और दैर इज ऑल्सो ए डी पी ए डी पी दैट इज एडेनोसाइन डाई एडनोसाइन डाई तो कॉमन सेंस आप

तो ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं कि एडीपी एंड ए क्या है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसाइन एडोनोसाइन डाई फॉस्फेट डाई फॉस्फेट ओके यानी टू मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट है इसमें थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फेट है सो दिस इज यू नो

इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के पास जाता है जब वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तब H2 फिर से रिलीज कर देता है तो जो H2 है वो ऑक्सीजन के साथ जो हमने ऑक्सीजन लिया था फिर से वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके वाटर फॉर्म होता है डस अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इन एरोबिक रेस्पिरेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या-क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वाटर बनता है और एनर्जी बनती है तो ये मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले जब ग्लूकोज का आपको लिख के दिखाया था कि C, C6H12O6 जिसका रिएक्शन हमने देखा वो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था वाटर बन रहा था एंड हीट मैंने लिखा था हीट तो वो एनर्जी फॉर्म हो रही थी राइट right? तो ये आपको मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया ये पूरे प्रोसेस के बाद ये चीज बनती है तो हम लोग जब ऑक्सीजन लेते हैं पूरा वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ हर एक सेल के पास जा रहा है वो मिटोकॉन्ड्रिया के वो पहले साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है और फिर टू प्यूरुबेट फॉर्म होके प्यूरुबिक एसिड फॉर्म होके वो मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है अंदर जाके फिर से ऑक्सीडाइज होके फर्दर ऑक्सीडाइज होके क्रेप साइकिल फॉर्म करके बहुत सारा एनर्जी मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है दैट इज एटीपी फॉर्म कर रहा है वो एंड रिटर्न में हमारा ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी बनते जा रहा है उसको कलेक्ट कर रहा है एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग वापस से बाहर रेस्पायर कर देते हैं तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता है होप आपको थोड़ा यू uh, नो you know, समझ में आया होगा आई एक्सपेक्ट इससे एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन से एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट हेल्प होगा बाकी देखो रीड करने के लिए बहुत सिंपल है ये आप जो रीड करोगे ये लेट मी थोड़ा जूम आउट करके मैं आपको बताता हूँ बहुत ही छोटे टर्म्स में लोग ने पूरा खत्म कर दिया है इट इज लाइक मैंने स्टार्टिंग में बोला था हम आइसबर्ग आइसबर्ग जो होता है आइसबर्ग आपको पता होगा तो वो पानी के नीचे इतना बड़ा होता है माउंटेन वो ऊपर सिर्फ छोटा सा दिखता है तो ये वैसा ही है प्रोसेस आपको देखिए इतना छोटा सा है ये खाली प्रोसेस ये देखिए इतना छोटा सा है देखने में खाली स्टेप्स है लाइन से स्टेप्स वो लोग ने बता दिया है वन टू थ्री लेकिन ये कंसेप्ट आपको आ, समझना है और अगर आप आगे जाके साइंस लेते हो तो आपको ये बहुत ज्यादा तब बहुत ज्यादा भयंकर डिटेल में आएगा तब आप सोचोगे कि, कि अरे इतना डिटेल ओके सो ये आपको सारे टर्म्स याद रखने हैं पहले जितने टेक्निकल टर्म्स मैंने बोले यहाँ पे वो पहले अलग से याद रखो वो टर्म्स को यूज करो वो टर्म्स को बोलो बार बार और फिर सिंपली ये पढ़ोगे ना तो एक ही बार में याद हो जाएगा कि में क्या होता था तो ग्लाइकोलिस में हमारा ग्लूकोस ग्लाइकोलिस ऑक्सीडाइज हो जाएगा उसका मतलब का मतलब का ही ऑक्सीडाइज होता है ओके ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें टू टू मॉलिक्यूल्स क्या क्या फॉर्म हो जाएगा प्यरुबिक एसिड फॉर्म हो जाएंगे एटीपी फॉर्म्स हो जाएंगे एनएडीएच2 फॉर्म हो जाएगा एंड वाटर फॉर्म हो तो जाएगा आगे जाके प्यूरुबिक एसिड जो है हमारा एसिटिल को एनजाइम ए में फॉर्म हो जाएगा वो जब होगा तब से फिर से NADH2 आ जाएगा CO2 गैस फॉर्म हो जाएगा अब आगे हमारा फिर से जब को आगे जब जाता है तो उसको भी और ब्रेक डाउन करके साइकिल फॉर्म होता है जिसको हम ट्राई साइकिल कहते हैं वो साइकिल के अंदर अगेन CO2 फॉर्म होता है H2O फॉर्म होता है NADH2 फॉर्म होता है और एक और आ जाता है FADH2 ये टोटल लास्ट में बता रहे हैं जितने भी NADH2 है और FADH2 आए वो सब लोग मिलके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में पार्ट लेते हैं जहां पर NADH2 FADH2 अपना हाइड्रोजन लूज कर देते हैं एंड उसमें वाटर फॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी फॉर्मड था एंड जो जितना भी हीट एनर्जी था वो सारा स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ATP ओके okay? एक एक एन NAD, एडी से कितने ATP फॉर्म होते हैं टोटल तीन फॉर्म होते हैं एंड एक FADH2 से कितने ATP बन सकते हैं ए ATP बन सकते हैं ओके okay? तो ये ओवरऑल थोड़ा सा रीडिंग करिएगा अच्छी तरह से तीन चार बार ज्यादा टाइम ही करेगा तीन चार बार से तो ज्यादा करेगा तो आपको जरूर समझ में आएगा बहुत यू नो इजी है फिर तो आई होप समझ में आया लेट्स मूव अहेड ओके यहाँ पे देखिए ये सब बताया भी है आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी है एन एडीएसर रेस्पिरेशन तो ये मैंने कहा आपको एंजाइम्स के साथ मिलके एंजाइम्स का ही काम को एंजाइम क्यों नाम uh, आगे बोला गया क्योंकि को एंजाइम यानी ये लोग साथ में को मतलब साथ में कुछ करना तो ये लोग सब साथ में एंजाइम्स के साथ मिलके ये काम करते हैं एंड uh, ये रेस्पिरेशन में काम आता फिर यहां पे देखिए एनर्जी साइकिल का ओके यहाँ पे देखिए जो मैं आपको बता रहा था एटीपी और एडीपी का जो मैं बता रहा था वो यहां पे दिया हुआ है चार्ट तो ये चार्ट को जरा सा फिर से रीड करते हैं सो मैंने आपको कहा कि ए एटीपी एंड ए डी पी देर आर टू थिंग्स राइट सो जरा नोटिस करो यहाँ पे देखो वन टू एंड ये थ्री थ्री फॉस्फेट के चेन है ये एक चेन टूट जाता है इट मीन्स मैंने अपनी एनर्जी यूज कर ली एटीपी यानी कि मेरा एनर्जी देखो बैटरी फुल है मैंने एनर्जी यूज कर लिया एक फॉस्फेट चेन टूट जब जाता है तो जब देखो टू चेन वन एंड टू यहाँ पे वन एंड टू टू चेन जब होता है तब ए डी पी फॉर्म होता है एडेनोसाइन डाई फॉस्फेट फॉर्म होता है ओके सो यानी मैंने एनर्जी खाली हो चुकी है अब फिर से जब इसके अंदर एनर्जी देखो रिलीज हो गई एक टूट के फॉस्फेट टूट के एनर्जी रिलीज हो गई ओके एंड ये देखो स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा था पहले भी डीएनए स्ट्रक्चर के अंदर भी हम ये बात कर चुके हैं शुगर है, इसलिए है, तो ये कुछ इस तरह से ही दिखता है, बस उसके अंदर है और फ्लेवाइन है और ये है एटीपी का ओके इसके अंदर भी सेम चीज फॉस्फेट ग्रुप्स है राइबो शुगर का ये यू नो पैंटोस शुगर का ये आप ये देख सकते हो शेप सो दिस इज The you know, a chart is ATP energy currency. If there is insufficient amount of carbohydrates in the body due to exceptional conditions like fasting, hunger, then lipids and proteins are used for energy production. In case of lipids, they are converted into fatty acids, whereas proteins into amino acids. Fatty acids and amino acids are converted into acetyl coenzyme A, and energy is obtained through complete oxidation of acetyl coenzyme A. बाई द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द मिटोकॉन्ड्रिया तो अब हमने पूरा देखा ये चीज देखा आ, किसके पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा यानी कि ग्लूकोज तो जब कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में कम रहता है तो एनर्जी अगर चाहिए होती है तब उस केसेस में हमारा स्टोर स्टोर फैट्स यानी कि स्टोर कार्बोहाइड्रेट दैट इज फैट्स फैटी एसिड भी ब्रेक डाउन कर सकता है हमारा बॉडी और प्रोटीन्स जो हमारा मसल जिससे बना है प्रोटीन भी ब्रेकडाउन कर सकता है तो फैट जो ब्रेकडाउन होता है लिपिड्स ब्रेक ब्रेकडाउन होते हैं किस फैटी ब्रेकडाउन होते हैं अमीनो एसिड्स में ब्रेकडाउन होते हैं एंड अमीनो में ब्रेक डाउन होते हैं है. है? वो अगेन एसिटिल को एंजाइम ए में डाउन होते उसके बाद फिर से वो साइकिल रिपीट होता है तो इतना खाली डिफरेंस है Uh, हमने ग्लूकोज का पूरा देखा था जिसके अंदर वो प्युबिक एसिड में ब्रेकडाउन हो रहा था और फिर एसिटिल को एंजाइम ए में ब्रेक डाउन हो रहा था यहाँ पे फैटी एसिड्स एंड एसिटिल को है, प्रोटीन्स का क्या था एमिनो एसिड्स एंड एसिटिल को एंजाइम ए तो ये दोनों का भी हमने देख लिया इस तरह से हमारी बॉडी पूरा एनर्जी प्रोड्यूस करते जाती है लेट्स मूव अहेड

वाला डिस्कस करेंगे क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है तो हम पहले से वो ग्लिकोलिस में, में वो प्युबेट तीन तीन कार्बन में ब्रेकडाउन होता है छह कार्बन होते हैं तीन तीन कार्बन में ब्रेकडाउन होके तीन तीन कार्बन में ब्रेकडाउन होके वो प्यूबिक एसिड बनाता है या पायरुबिक एसिड बनाता है उसके बाद वो एसिडिल कोजाइम में एक और कार्बन अपना छोड़ देता है सीओ टू फॉर्म होकर यहाँ पे छोड़ देता है यहाँ पे एसिडिल को फॉर्म करता है और उसके बाद वो क्रेप साइकिल में चला जाता है जो हमने पूरा देखा जिसके अंदर बहुत सारे एन एडीएच टू तीन एन एडीएच हमने एक्चुअली टोटल देखे वन एफ एडीएच टू देखा एंड सीओ टू देखे सो so ये सब बनता है फाइनल प्रोडक्ट हमने देखा कि जब ग्लूकोज पूरा ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है एच टू ओ फॉर्म होता है और एनर्जी दैट इज योर ए ATP, okay? Total कितना हमने हमने देखा 38, याद रखना ये Total 38 ATP molecules form होते हैं से, okay? Now, दूसरा चीज फिर क्या पढ़ा कि प्रोटीन्स किसमें डाउन होते हैं तो प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में डाउन होते हैं अमीनो एसिड भी बहुत तरह के होते हैं हमारे बॉडी में मेजरली 20-22 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जिससे हमारा पूरा यू नो बॉडी बनता है फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन अगर आपने सुना होगा बाल हमारे हेयर जो है वो कैरेटाइन नाम का एमिनो एसिड होता है उससे बनता है कैरेटाइन इसलिए कि, किसी शैम्पू एड्स या आप किसी शैम्पू एड्स में आप देख सकते हो कैरेटाइन एक्सट्रैक्ट ऐसा वर्ड वो लोग यूज करते हैं तो कैरेटाइन वॉट इज कैरेटाइन कैरेटाइन इज अमीनो एसिड जिससे हमारे हेयर फॉर्म होते हैं बनते हैं ओके So, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं तो प्रोटीन आर ब्रेक डाउन प्रोटीन्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं वो किस में टूटते हैं अमीनो एसिड्स में वो टूटते हैं और अमीनो एसिड जब टूटते हैं तो वो डायरेक्ट क्या फॉर्म होते हैं एसिटिल को एंजाइम ए फॉर्म होते हैं और वो फिर वापस से क्रैप साइकिल में जाता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी देता है सेम चीज यहाँ पे लिपिड्स देखेंगे लिपिड्स यानी हमारा फैट्स वाली चीजें जितनी भी थी वो सब कुछ ब्रेक डाउन होकर फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड ब्रेक डाउन होके एंजाइम ए मेंरोबिक रेस्पिरेशन यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन हमने इन्वॉल्व किया था फ्रॉम हमारा रेस्पिरेशन ओके नाउ लेट सी एन एरोन में क्या होता है तो एरोबिक के अंदर पूरा हमारा ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है ओके पूरी तरह से हम उसको ऑक्सीडाइज बोलते हैं जबकि जिसके अंदर एनिक होता है यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता है तो वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है और उसके अंदर एल्कोहल फॉर्म होता है उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं उसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं ओके तो यहाँ पे हम डायरेक्ट चार्ट से पहले या तो पढ़ सकते हैं या तो हम रीड कर सकते हैं तो पहले चार्ट ही रिफर कर लेते हैं तो एकदम सिंपल है यहाँ पे ग्लूकोज का तो सेम है पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस दोनों तरह से हो सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है हमने इनफैक्ट ग्लाइकोलिस में स्टार्टिंग में ऑक्सीजन की बात की नहीं थी हमने प्युरबिक एसिड के बाद ऑक्सीडाइज होने की बात की थी प्युर एसिड में वो ऑक्सीडाइज हो रहा था तो ये विदाउट ऑक्सीजन भी पॉसिबल है एन एरो यानी विदाउट ऑक्सीजन भी वो पॉसिबल है पूरा प्रोसेस खाली उसमें क्या होता है फर्मेंटेशन होता है फर्मेंटेशन फॉर्म होता है ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्मेंटेशन फॉर्म हो जाता है okay? तो जितने विटामिन एसिटिक एसिड विनेगर क्या होता है एसिटिक एसिड होता है इफ यू रिमेम्बर तो विनेगर वगैरह जो है ये सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और ये सब कौन करता है वेरियस माइक्रोब्स के हेल्प से होता है

एंड हम बहुत तेजी से कुछ काम कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं मूवमेंट कर रहे हैं तो हमें जो पेन हमें जो सडन मसल के अंदर पेन uh, फील होता है जिसके अंदर ऐसा हमें लगता है कोई हमें uh, सुई चुबा रहा हो वैसा पेन जो हमें फील होता है अपने मसल्स के अंदर वो रिएक्शन इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हमारे अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है तब हमें ये मसल मसल के अंदर ऐसा फील होने लगता है तो लैक्टिक एसिड और इसलिए देखो लास्ट में मसल सेल्स ये आ गया कहां पे होता है ये में ठीक है उसके अंदर भी लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है दूसरी तरफ प्युबिक एसिड फॉर्मेंटेशन होके एल्कोहल फॉर्म होता है एल्कोहल आगे जाके यीस्ट, जो हमारा यस्ट बैक्टीरिया है ईस्ट माइक्रोफंगाई जो ईस्ट है वो फॉर्म होता है ओके तो so, ये अलग-अलग एनोर्बिक -अलग एन एरोबिक एन रेस्पिरेशन का ये हमने अलग-अलग ब्रेकडाउन देखा लेट्स रीड अबाउट दिस अब इसका रीड करते हैं ये उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनमें ऑक्सीजन वो लोग ऑक्सीजन के बिना उनको अपना काम चलाना होता है हालांकि हमारी बॉडी दोनों तरह से हम कर सकते हैं हम एरोबिक भी करते हैं हम एन एरोबिक करते हैं वर्कआउट के टाइम मोस्टली हमारा बॉडी बिकॉज uh, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो हमारा बॉडी जो है एन रेस्पिरेशन करने लग जाता है हमारे सेल्स जो है एन रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं एंड इसीलिए वो लैक्टिक एसिड वाला चीज फॉर्म होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू एन एरो समर्गेजम के नॉट लिव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मैनी बैक्टीरियाज वैसे है जो ऑक्सीजन के बिना वो रहते हैं सच लिविंग ऑर्गेजम एन रेस्पिरेशन उनको एन एरोबिक करना पड़ता है so, मैंने आपको बोला फर्स्ट वाले में मैंने बोला था ग्लूकोज पूरी तरह से हो जाता है जबकि यहां पर मैंने बोला था ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है okay? एसिड प्रोड्यूस थ्रू क्लिकोलिस इज कन्वर्टेड इन टू ऑर्गेनिकल्कोहॉल्प एंजाइम इन दोसेस तो अगेन विद द हेल्प ऑफ सम एनजाइम्स एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है हमारा एसिड एंड दिस इज कॉल्ड फोर्मेंटेशन ये प्रोसेस को क्या कहते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं सम हायर प्लांट्स एनिमल्स एंड एरो इक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म एन एरो इन द सराउंडिंग हमारे सराउंडिंग में अगर हमें ऑक्सीजन लेवल कम लगता है हमारी बॉडी को तो हम अपने आप स्विच करके एन एरोबिक रेस्पिरेशन करना चालू करते हैं इसीलिए वर्कआउट के टाइम हमें जब ब्रेथलेस फील होता है को एनर्जी कहा हमारी बॉडी तुरंत ही एन एरोन में स्विच हो जाती है क्योंकि उसे ऑक्सीजन चाहिए होता है एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए एग्जाम्पल दिया है कुछ सीड्स परफॉर्म समीड्स परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन इफ द सॉइल इज समर्ड अंडर वॉटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन

एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट फूड कॉम्पोनेट्स तो अलग अलग फूड कॉम्पोनेट्स है एनर्जी तो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स है प्रोटीन है फैट्स है तो उसके बारे में ही थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन वॉट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन वॉट आर दे मेड अप ऑफ तो सोर्स ऑफ प्रोटीन हम पहले ही स्टार्टिंग में बात कर चुका हूं मिल्क मीट एग ये सारे गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन है वेजिटेबल प्रोटीन भी सोयाबीन वगैरह जो होते हैं ये सब गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटींस है प्रोटींस आर द मैक्रोमोलेक्यूल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मेनी अमीनो एसिड्स तो हमने बात की कि बहुत सारे अमीनो एसिड से प्रोटीन बनता है इसीलिए जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं प्रोटींस ऑफ एनिमल ओरिजिन जो एनिमल से मिलते हैं उसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है वी गेट 4 किलो कैलोरीज एनर्जी पर ग्राम ऑफ प्रोटीन सो फोर टोटल हमें एक पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से फोर किलो कैलोरीज मिलती है हमने ऊपर देखा था कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स का ओके नाइन किलो कैलोरीज फैट से मिलती है हमें सो so, प्रोटीन से वैसे हमें फोर किलो कैलोरीज मिलती है यानी फोर कैलोरीज पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से मिलती है अमीनो एसिड्स आर ऑप्टीन आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो जब प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है यानी डाइजेस्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है एक तरह से हम बोलेंगे सो अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं

वहां के मसल को इतना टायर कर देते इतना थका देते हैं वो मसल टूट जाता है नाउ इट नीड्स रिपेयरिंग उसको रिपेयरिंग चाहिए रिपेयरिंग का काम होता है सेल्स का सेल्स को रिपेयर करने के लिए वहां पे प्रोटीन्स चाहिए होता है तब जाके प्रोटीन्स जो है मसल इज अप ऑफ प्रोटीन तो प्रोटीन्स जब हम कंज्यूम करते हैं इसलिए फूड इसलिए कहा जाता है बॉडी इज मेड इन किचन तो जब हम फूड खाते हैं अच्छा डाइट फॉलो करते हैं प्रोटीन कंज्यूम करेंगे जब हम तो प्रोटीन जब कंज्यूम करेंगे तो वो अपने डाइजेस्ट होके अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होके वो हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू पहुंचेगा अब वो वहां जाएगा हमने यहाँ पे पढ़ा इट गोज टू ऑर्गन्स एंड सेल्स तो वो वहां जाएगा जहां पे हमारा मसल को रिपेयर की जरूरत है तो जब जो सेल मैंने मसल का तोड़ दिया है वहां पे जाके प्रोटीन जाएगा तो वो सेल बिगर हो जाता है साइज में इसलिए बॉडी ग्रो हो जाती है साइज में मसल ग्रो हो जाता है साइज में तो दैट इज हाउ द वर्कआउट का पूरा मतलब बॉडी बिल्डिंग का पूरा यू नो सिस्टम है करके सो लेट्स रीड अहेड आगे पढ़ेंगे हम लोग ऑलवेज uh, आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है अमीनो एसिड जो एक्स्ट्रा एक्सेस एक्स्ट्रा यानी एक्सेस होता है फ्रॉम द प्रोटीन आर नॉट स्टोर अच्छा हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है अमीनो एसिड यूरिन में निकल जाता है ओके okay? याद रखना है

फैट्स जो होता है वो पूरे बॉडी में कभी भी कोई पर्टिकुलर जगह से कम नहीं होता है पूरे बॉडी का ओवरऑल फैट कम होता है या तो पूरे बॉडी का ओवरऑल फैट एक साथ बढ़ता है नाउ आप कहोगे कि, कि किसी का सिर्फ पेट पेट बड़ा दिखता है किसी का यू you नो know, सिर्फ आर्म्स में फैट दिखता है ऐसा क्यों होता है सो so, फैट पूरे बॉडी में एक साथ बढ़ता जरूर है लेकिन आफ्टर सम टाइम हर एक बॉडी पार्ट का एक लिमिटेशन के टाइम कुछ जोन्स पे

सो ये अलग अलग हार्मोन्स के नाम है जिसमें से टेस्ट्रोस्टेर हमारे मेल्स में होता है एंड एस्ट्रोजन फीमेल्स में होता है ओके उनके उसी के बेस पे हमारा फिजिकल फीचर्स अलग होता है गर्ल्स का जो बॉडी डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द हार्मोन एस्ट्रोजन होता है एंड बॉयज का बॉडी डेवलपमेंट जो गर्ल्स से डिफरेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ टेस्ट्रोस्टेरॉन वो हमारे टेस्टीज में फॉर्म होता है जो हम लोग पार्ट इसके पार्ट टू चैप्टर में देखेंगे ओके

एक्सेस मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि एक्सेस जो हो जाता है वो हमारे बॉडी में स्किन लेयर के ठीक नीचे फॉर्म होता है और ऑर्गन uh, जब कोई फैट होता है तो उसके ऑर्गन बड़े नहीं हो रहे हैं उसके ऑर्गन का साइज स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर उतना ही रहता है फिर स्किन है और स्किन के बीच का जो जगह है दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू जो है एडिपोज उसके बीच में उधर फैट जमा होता है तो ये बात आपको यहाँ पे वो बता रहे हैं सो दैट दॉज आई गेस फैट्स के बारे में एंड आगे फिर अब हमें दिया सो okay. so, अच्छा ऊपर जो हमने पूरा देखा साइकिल वगैरह उसमें विटामिन और मिनरल्स का भी बहुत जिंक मैग्नेशियम बी अच्छा एनएडीएच टू एन एफ एडीएच की बात तो ऑलरेडी हम कर चुके थे कि बी टू विटामिन है और बी थ्री विटामिन है तो ये सारे विटामिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये सब में जो हमने उसमें नहीं पढ़ा हमने सिर्फ ओवरऑल बिग पिक्चर देखने की कोशिश की एक प्रोसेस समझने की कोशिश की

मिक्स होना फैट की वजह से डिजोल्व होता है वाटर सोल्यूबल नहीं है ये लोग यानी कि पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं ठीक है जबकि बी एंड सी जो है आर यानी कि ये में होते हैं, ओके? प्रोसेसिस एंड साइकिल विटामिन लाइक राइबोफ्लेविन विटामिन बी टू एंड निकोटिनामाइड विटामिन बी ओके बी फाइव क्यों दिया यहाँ पे यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है मैंने आपको बोला था विटामिन बी थ्री है ये तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे बी थ्री जो मैंने आपको बोला था निकोटिनामाइड का बी थ्री था एंड ये तो राइट है बी टू राइबो फ्लेविंग जिसके वजह से उसका नाम था एफ एडीएच दैट इज एफ जो था फ्लेवाइन इसके वजह से यहाँ पे नाम था एंड निकोटिनामाइड इसलिए एन तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इसके बारे में तो ये भी जरूरी है इनके प्रोडक्शन के लिए इसके वजह से ये फॉर्म होते हैं लेट्स रीड अड

हमारे बॉडी में जरा भी पानी कम हो जाता है हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमें बहुत ही यू uh, नो you know, सही फील नहीं होता है इनफैक्ट ओके सो इट इज एन एसेंशियल न्यूट्रिय पानी पीते रहना चाहिए आपके बॉडी में जब एक परसेंट पानी कम होता है तो आपका लिप्स uh, जो है ड्राई हो जाता है आपके लिप्स अगर ड्राई हो जाते हैं इट मींस आपके बॉडी में वन परसेंट ऑफ वाटर कम हो चुका है अलोंग विथ ऑल अबाउट

एक्सक्रीटरी सिस्टम है इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट हो पॉसिबल है वो पॉसिबल होता है जब आपको फील होता कि आप नो uh, you know, तो टॉयलेट नहीं जा पा रहे हो तो इट मींस आपका डाइजेशन जो खराब हम जो फील करते हैं फाइबर की कमी आप फाइबर फ्रूट फ्रूट वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह खाओगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम एक्सक्रिटिव सिस्टम जो बेसिकली है वो अच्छा हो जाएगा तो फाइबर हमें बहुत हेल्प करते हैं हालांकि फाइबर हम डाइजेस्ट नहीं करते हैं वो हमें हेल्प करने के लिए काम आते हैं और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं तो एक्सक्रीशन के टाइम पे वो पूरा बहुत इंटेस्टाइन में हेल्प करते हैं फाइबर्स पूरे इंटेस्टाइन में वो आपको याद रखना है सो दैट ऑल अबाउट यू नो अभी तक जो हमने पढ़ा कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है विटामिन मिनरल्स क्या क्या यूज करते हैं हम लोग अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन एंड ऑल यहां से अभी सेल डिविजन का पार्ट है इसके लिए मैं दूसरा uh, वीडियो इसका पार्ट बनाऊंगा सो so चैप्टर टू हमने कवर किया हाफ हाफ uh, से ज्यादा इनफैक्ट कवर कर दिया हमने होप आपको समझ में आया होगा ये जो कैंसल्ड पार्ट है ये आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं तो ये सारे कवर में नहीं करूंगा ये सब आप खुद थोड़ा ढूंढे तो ज्यादा बेटर होगा कैसा है अगेन जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था द थिंग इज आप जब तक खुद खुद से अंदर से अप, अपने मन से चीजें नहीं करोगे इंटरेस्ट से चीजें रिसर्च uh, नहीं करोगे आपको ये सब में कभी भी इंटरेस्ट नहीं आएगा आपको कभी ये चीजें समझ में नहीं आएगी तो ये जो आपको सब बोला है कलेक्ट इन्फॉर्मेशन कैन यू टेल ये सारी चीजें अब आपको आनी चाहिए नहीं आती है तो आप यू सर्च अबाउट इट यू सर्च अबाउट इट वी कैन डिस्कस अबाउट इट इन द कमेंट्स यू नो सो ये सब आप करिए तो आपको ज्यादा मजा आएगा सो दैट वॉज वीडियो होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा पेशेंस फिर से मैं बोलूंगा पेशेंस के साथ देखिएगा वीडियो टेक्निकल टर्म्स जो है टेक्निकल टर्म्स को पहले अच्छी तरह से लिख लीजिएगा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और फिर वो प्रोसेस पढ़ोगे बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है बिल्कुल भी देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बहुत सिंपल है बहुत ईजी है बहुत ही ज्यादा ईजी है ठीक है ये चार्ट जरूर बनाइएगा दोनों एरोबिक एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन का चार्ट दोनों बनाइएगा एंड दैट वॉज ऑल प्लीज लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल पार्ट टू इसका जल्दी बनाऊंगा जिसके अंदर हम लोग सेल डिविजन की बात करेंगे और उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर आगे बढ़ेंगे थैंक यू सो मच टेक केयर बी सेफ